Good afternoon, students. So today we will going to start our next topic of this chapter, and the chapter is chapter number 1, Indian Economy on the Eve of Independence. And students, in our previous lecture we have already discussed about the colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Okay, so in which we studied the colonial exploitation of the agriculture sector, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कैसे ब्रिटिश राज के अंदर ब्रिटिशों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया, जिसमें हमने जमींदारी सिस्टम जो है वो हमने वहां पर स्टडी किया. हमने ये देखा कि कैसे जो जमींदार हैं वो जो टीलर्स होते थे, ठीक है, टीलर्स को किस तरीके से वो एक्सप्लॉयट करते थे, कैसे उनसे टैक्सेस लेते थे. ओके, एंड नेक्स्ट वी स्टडी about the colonial exploitation of the industrial sector. फिर हमने ये study किया कि industrial sector में कैसे industrial sector को exploit किया British government ने, कैसे हमारे जो handicrafts थे और जो हमारी छोटे small and cottage industries थी उनको कैसे उन्होंने destroy कर दिया, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे किस तरीके से जैसे heavy duties लगा दी, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो हम चीजें एक्सपोर्ट करते थे उन एक्सपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी, और हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थी उनके डिमांड को फॉरेन में हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थी उनकी डिमांड को डिस्ट्रॉय किया था. और इसी तरीके से उन्होंने और क्या किया, जो इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स की जो का जो इम्पोर्ट होता था उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए डिमांड थी हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही वो किस कैसे डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि वो क्या हो जा वो हो गई हमारी चीजें हमारी मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट में हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वो महंगे थे, एक्सपेंसिव थे कंपेरेटिवली किसके, जो ब्रिटिश गुड्स थी जिनको उन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट किया उनके कंपेरेटिवली. तो किस तरीके से हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उनके डिमांड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई. एंड इन थर्ड पॉइंट वी हैव डिस्कस द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट किया. हम जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने हमने यहाँ पर देखा कि दे अडॉप्ट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो है उसके थ्रू उन्होंने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट किया. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या किया उन्होंने, दो तरीकों से उन्होंने किया, एक तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन रॉ मटेरियल, दूसरा ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स. जैसे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल में क्या किया उन्होंने, जो इंडियन रॉ मटेरियल था, ठीक है, हमारा इंडियन रॉ मटेरियल था उनके उनके एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दी, यानी फ्री कर दी वो. तो वो किस लिए किया था वो भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक्चुअली मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो ब्रिटिश थे वहां पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज के में प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की नीड थी, और हमारी कंट्री में हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है वहां पर की जो लैंड है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लैंड है, जहाँ पर जो फर्टिलिटी है जिसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, जो क्रॉपिंग की जाती है चाहे वो किसी भी चीज की जाए, तो हमेशा जो है फाइन क्वालिटी की प्रोडक्शन जो है क्रॉपिंग जो है वो हम यहाँ पर होती है. तो यहाँ क्या, क्योंकि इंडियन रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता था, तो उनको अपनी इंडस्ट्रीज में एज उस रॉ मटेरियल की नीड थी, तो उन्होंने क्या करा उसे अपनी उनको अपने यहाँ पर इम्पोर्ट करना था, ठीक है, उनको वो रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा उसके ऊपर से उसके क्योंकि इंडियंस उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसलिए उस एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो उससे क्या होता था वो रॉ मटेरियल वहां पर उनको चीप रेट पर मिल जाता था, जो इंडियन रॉ मटेरियल था, और फिर उसको वो क्या करते थे उससे फिनिश गुड्स बनाते थे, उस रॉ मटेरियल का यूज करते थे और फाइनल गुड बनाते थे. अब उस फाइनल गुड के लिए क्या चाहिए था, मार्केट चाहिए थी, ठीक है, सेल करने के लिए. तो वो मार्केट भी उन्होंने कौन सी चूज की, इंडियन मार्केट चूज की. तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने अब यहाँ पर जो ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट जो है उसको उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी अगर हम बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हैं तो दैट इज इंपोर्ट, तो अगर हम ब्रिटिश गुड मंगवाएंगे तो ये ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दी, यानी टैक्स नहीं लगाए. तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी गुड्स जो है जब यहाँ पर एक्सपोर्ट की, यानी हमने उनके गुड्स को इम्पोर्ट किया, तो वो ड्यूटी फ्री था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा.
तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो गुड्स थी वो हमारे यहाँ पर हमारी इंडियन गुड्स के, हमारा जो हमारे यहाँ पर जो हम जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, ठीक है, जो प्रोडक्शन थी हमारी, वो उनके कंपेरेटिवली क्या थी, महंगी थी. और दोनों में फर्क था वो, क्योंकि उनकी गुड्स जो है वो मशीनों से बनाई जाती थी, तो इसीलिए वो क्या होती थी, देखने में भी सुंदर होती थी और वो चीप भी थी. और हमारे यहाँ पर क्योंकि हम हैंडीक्राफ्ट थे, हम हाथों से बनाते थे, तो वो इतनी ज्यादा जो है सुंदर नहीं लगती थी कंपैरेटिवली ब्रिटिश जो गुड्स थे उनके कंपैरेटिवली. और दूसरी वो महंगी भी थी. तो इसीलिए जो इंडियन मार्केट में, जो हमारी अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमारी खुद की इंडियन गुड्स की डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम हो गई या धीरे धीरे खत्म हो गई. तो इस तरीके से इट वाज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकम इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स. इंडिया क्या हुआ, फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन गया, ठीक है, गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन एंड द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द टू द ब्रिटेन. और वो इंपोर्टर हो गया रॉ मटेरियल का. ओके, तो इस तरीके से उन्होंने फॉरेन ट्रेड को, इंटरनेशनल जो ट्रेड था हमारा, उसको किस उन्होंने डिस्ट्रॉय किया. तो नेक्स्ट जो है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इन विच वी स्टडी द स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ओके, एंड रैम्पेंट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन ऑन इम्पोर्ट्स, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फीडल इकोनॉमी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सो आज हम जो है स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज द लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है कि ये देखो प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन मींस, प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट, ओके, एंड प्रोडक्टिविटी, यस, एंड दिस प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. क्लियर कि प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन होते हैं हमारा टोटल आउटपुट, एंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. एक हेक्टेयर लैंड पर हम कितनी आउटपुट करते हैं, दैट इज आर प्रोडक्टिविटी. ओके, सो बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. दोनों में, दोनों ही बहुत ज्यादा लो थी उस टाइम पर. और उसके मेन रीजन क्या थे, एक तो क्या था, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड थर्ड लैक ऑफ फाइनेंस. तीन रीजन थे मेन इनके लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी के. क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी की उनके पास क्या थी, कमी थी. तो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वो लोग जो है प्रोडक्शन को, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे. लो अवेयरनेस थी, यानी कि वो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उनको ये पता नहीं था कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. तो उनके, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो वो अवेयरनेस की कमी थी उनके अंदर. और तीसरा लैक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस नहीं था कि जिससे कि वो क्या कर सकें, अच्छे फर्टिलाइजर्स एंड जैसे ये आपके पास हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होती हैं, HYV सीड्स हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ओके, इन सब चीजों को वो यूज कर सकें या कुछ. तो ये सब बहुत से रीजन है जिनकी वजह से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो दोनों ही उस टाइम पर बहुत ज्यादा लो थी. सो इफ रोज ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ मींस एज वेल एज इंसेंटिव ऑन पार्ट ऑफ द कल्टीवेटर्स. सो स्टूडेंट्स, हियर टेबल, यस स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस टेबल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एंड राइस, अ कंपैरिजन बिटवीन द लेवल्स इन 1947 एंड 2018-19. ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्रॉप है व्हीट एंड राइस की, जिसमें प्रोडक्टिविटी किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड प्रोडक्शन इन लैक टर्म्स में गिवन है. सो आप देख रहे हैं 1947 के अंदर, यहाँ पर 1947 में जो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उसमें व्हीट में ये 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी, एंड 2018-19 में ये देखो कितनी हो गई, 3408. राइस की भी इसी तरीके से 1947 में ये 665 थी, और 2018-19 में ये कितनी हो गई, 2600.
665। ऐसे ही प्रोडक्शन की बात करें तो 1947 में इन लैक टर्म्स में 64 थी, देन 1890 में 991। एंड इन राइस में अगर देखें तो राइस में 220 थी, एंड इन 1890 में ये 1156। So student, this table shows that ki productivity of wheat was nearly 5.2 times low in 1947 compared with its level in 2018-19. अगर हम comparison करें तो अगर हम wheat की बात करें ठीक है प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो हम देखते हैं कि 1819 के comparatively 1947 के अंदर ये 1947 मतलब 5 time ये कम था, ठीक है 5 गुना कम था ये इसकी प्रोडक्टिविटी 2018-19 से अगर हम वीट का कंपैरिजन करें 1947 में। ओके एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, राइस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वाज नियरली 4 टाइम्स लोअर इन 1947 कंपेयर्ड विद इट्स लेवल इन 2018-19, और ये 4 टाइम कम थी। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो लाइक वाइज लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ वीट वाज नियरली 15.5 टाइम्स लोअर। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए 1819 में 991 है जबकि पहले सिर्फ 64 था, इट मींस कि ये 50 टाइम्स जो है कम था 2018-19 के कंपैरेटिवली। एंड लाइक दैट ऑफ राइस वाज नियरली 5.3 टाइम लोअर इन 1947 कंपेयर विद देयर लेवल ऑफ इन 2018-19। सो स्टूडेंट्स आप ये टेबल से बिल्कुल ये शो हो रहा है कि हमारे यहाँ पर उस टाइम पर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही क्या थी, बहुत ज्यादा लो थी। सो सेकेंड पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ओके ये हमारा मेन बात कर रहा है रेनफॉल की, कि उस टाइम पर क्या था, हम लोग जो है सबको पता है हम लोग सब उस टाइम पर बारिश के ऊपर रेनफॉल पर ही डिपेंड थे कि बारिश होगी तो हमारी कंट्री के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन होती थी, क्रॉपिंग होती थी। तो और रेनफॉल जो होती है वो हमेशा अनसर्टेन होती है, सर्टेन तो नहीं होती, कभी बारिश हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती, कभी बहुत ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, तो ये कोई प्रिडिक्शन इसकी नहीं की जा सकती। सो स्टूडेंट्स हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी यानी एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फार्म आउटपुट बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। ये रेनफॉल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था, और रीजन क्या था मैंने आपको पीछे ऊपर ही बताया कि रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, तो क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक परमानेंट जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी वो इनको प्रोवाइड नहीं थी, इनके पास इस तरह की परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी जिससे कि ये अपनी अनसर्टेनिटी को दूर कर सके और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। सो बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन rainfall, so good rainfall implied good output and while poor rainfall implied poor output. So no effort was ever made under the British rule to develop permanent means of irrigation. ब्रिटिशों ने ब्रिटिश रूल में परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन को डेवलप करने में उन्होंने किसी तरह के कोई एफर्ट्स नहीं किए। ओके सो नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स कि वो सिर्फ इतनी ही खेती करते थे, इतनी फार्मिंग करते थे कि जिससे कि उनका जो है उनके जो फैमिली है और उसकी अपनी खुद की बस नीड जो है वो फुलफिल हो सके। तो वो मतलब कि ना सिर्फ एक ना अपने जीने के लिए ही सिर्फ फार्मिंग करना, ठीक है कि दो वक्त की रोटी मिल जाए, तो वो उनका मेन था। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, ठीक है मतलब इसके अंदर आपके पास जो क्रॉप्स हैं आप उतनी ही प्रोड्यूस की जाती थी जिससे कि फैमिली की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, तो उतना ही होता था। ओके तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था उस टाइम पर, ये एग्रीकल्चर जो फार्मिंग थी हमारी, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग थी। नेक्स्ट इज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोयल्स एंड टिलर्स ऑफ द सोयल। तो ओनर्स ऑफ द सोयल मीन्स जो जमींदार थे हमारे। ओके
तो ये सोयल की स्पेलिंग जो है ये यहाँ पे चेक कर लेंगे, SOIL, ठीक है, ये नहीं आएगा, एंड टीलर्स ऑफ द सोयल। ओके, तो टीलर ऑफ द सोयल मतलब जो हमारे किसान होते थे, एंड ओनर ऑफ द सोयल जो हमारे जमींदार होते थे। ओके, तो इनके बीच में एक क्या थी, एक खाई थी। वो कैसी थी कि आपको जैसे मैंने पीछे बताया कि जैसे गवर्नमेंट थी, ठीक है, जैसे ब्रिटिश थे, वो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था कि अपने आगे ये जमींदार लगाए, इन जमींदारों को क्या करा कि जमीन का जो है लैंड का ओनर बना दिया। ओके, और फिर इनको एक फिक्स डेट दे दी, इनको एक फिक्स अमाउंट दे दी, जो इनको उस फिक्स डेट के ऊपर वो फिक्स अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को देनी थी, ठीक है, लैंड के ऊपर से। अब ये और साथ ही उनको ये भी कह दिया जाता था कि अगर वो उस फिक्स अमाउंट को फिक्स डेट पर अगर वो वहां पर सबमिट नहीं करा पाएंगे तो वो उनकी जो है जमींदारी छीन ली जाएगी और फिर से वो भी टीलर बन जाएंगे। तो अब टीलर्स की सिचुएशंस तो आपको मैंने पहले बताई है कि कितनी बुरी सिचुएशन में वो लोग रहते हैं। तो वो जमींदार जो थे वो इस सिचुएशन में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, आगे जो टीलर्स होते थे उनके साथ बहुत ज्यादा जो है बुरा व्यवहार करते थे, उनके ऊपर काफी उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ओके, सो ये जमींदार जो थे इन्होंने आगे अपनी जो जमीने थी वो टीलर्स को दे देते थे, वहां पर उनसे क्रॉपिंग कराते थे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोयल एंड टीलर्स ऑफ द सोयल, तो इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सोयल ऑन द वन हैंड एंड टीलर ऑफ द सोयल ऑन द अदर। क्योंकि अब हमने कहा कि जैसे जमींदार उनकी वजह से आगे उनको क्या करते थे, टीलर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, तो उससे क्या होता था, इस वजह से गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से जमींदारों और टीलर्स के बीच में एक जो खाई थी, एक गल्फ जो थी वो बनती चली गई और वो बड़ी होती चली गई। ओके, सो व्हाइल द ओनर शेयर द आउटपुट दे शैलम शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली क्या होते थे, जो ये ओनर्स थे, जो ये जमींदार थे, ये आउटपुट का सिर्फ शेयर जो होता था ना वो शेयर जो है वो ये उनके साथ थे, यूज करते थे, लेकिन कभी होता था कि ये प्रोडक्शन के कॉस्ट के ऊपर ये कभी कोई शेयर कर दे, उनके उनको हेल्प कर दे ठीक एक्शन करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। दे वर मोरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। सिर्फ उनका मतलब यही होता था कि वो रेंटल इनकम को कैसे मैक्सिमाइज कर सके। सो द टीलर ऑफ द सोयल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, और सिर्फ टीलर्स के पास तो सिर्फ इतना ही बचता था कि वो अपने जीवन को चला सके। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। सो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, इसका मतलब क्या है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, क्या कि जैसे कि क्या होता था कि मान लो किसी के पास जमीन ज्यादा है, जमीन काफी है, लेकिन वो जमीन क्या है, एक ही जगह पर नहीं है। जैसे एक एक जमीन का टुकड़ा छोटा सा एक जगह पर है, एक जमीन का टुकड़ा कहीं और है, फिर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा कहीं और हो गया। तो इस तरीके से क्या होता था, ये फ्रेगमेंटेड होल्डिंग होती थी, जहाँ पर टुकड़े जो थे, जो जमीन जो थी, जमीन काफी होती थी लेकिन वो टुकड़ों में होती थी और कहीं कहीं होती थी। ओके, तो उससे क्या होता था कि इन छोटे छोटे टुकड़ों पर प्रोडक्शन कम होती थी, कॉस्ट ज्यादा लगती थी उनकी, ठीक है। और अगर मान लो उनको एक ही जगह पर एक बड़ी जमीन अगर आपको दे दी जाए, एक बड़ी लैंड दे दी जाए, तो उसके ऊपर क्या होता है, कॉस्ट भी कम आती है और प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। और अगर इसी को हम डिवाइड कर दें और अलग अलग जगह पर हो तो क्या होगी, हमारी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी लेकिन क्रॉपिंग जो है, प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। सो लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। सो फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन अ पीस हियर एंड अ पीस देयर। सो अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक, यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। ओके, मतलब कि ज्यादातर लैंड होल्डिंग जो वो ये होती थी अन इकोनॉमिक होती थी, यानी कि इससे उनको जो कोई ज्यादा पैसे नहीं मिलते, उनके बस्ते थे, उनको जो यील्डिंग थी, कमाई थी वो बहुत कम थी और कॉस्ट जो थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। नेक्स्ट इज लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। अब सेम जो मैंने अभी ऊपर गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोयल एंड टीलर्स ऑफ द सोयल में बताया, तो वही सिस्टम इसमें आएगा, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। एक्चुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, द ओनर ऑफ द सोयल एंड द टीलर ऑफ द सोयल।
उन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया किस किस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, गवर्नमेंट और जो सोयल ओनर थे सोयल के और जो टीलर थे सोयल के. सो दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू. सो यहाँ पर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम आर, फर्स्ट इज द जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज एज परमानेंट ओनर ऑफ दिस सोयल. उन्होंने सारी ना क्या करी, जमीन जो है ना सारी जमींदारों को दे दी और उनको परमानेंट ओनर बना दिया उस जमीन का, ठीक है, वो परमानेंट ओनर्स बन गए उस सोयल के. एंड द जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रिवेन्यू. और जमींदारों को भी क्या करना पड़ता था, एक फिक्स्ड लैंड रिवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता था. एंड द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सोयल एज दे कुड. यहाँ पीछे पढ़ चुके हैं कि उनकी मर्जी होती थी, वो जितना चाहे, बिल्कुल फ्री होते थे वो, कि उनकी मर्जी होती थी कि वो जितना चाहे टीलर से जो है रिवेन्यू जो है निकाल सकते हैं. एंड द एंड इम्प्लीकेशन अगर हम देखें इसकी, द इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम वॉज अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग. तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें हम देखें तो इट लेड टू द अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टीलर ऑफ दिस सोयल बाय द जमींदार. जमींदारों के द्वारा जो टीलर्स थे उनको अनलिमिटेड एक्सप्लॉयट किया गया, ठीक है, कोई उसकी हद नहीं थी कि एक लिमिट तक किसी को एक्सप्लॉयट किया जाए, उनको अनलिमिटेड वे से एक्सप्लॉयट किया गया. एंड रेट्स ऑफ लैंड रिवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार विच लेड टू फ्रीक्वेंट एविक्शन ऑफ द टीलर्स ऑफ द सोयल. ठीक है, कि जो ये लैंड रिवेन्यू जो था वो फ्रिक्वेंटली बढ़ता चला गया, कम नहीं हुआ कभी भी जमींदारी सिस्टम के अंदर. हमेशा ये लैंड रिवेन्यू जो वो लेते थे, उनसे टैक्स लेते थे, ये वो लगातार बढ़ाते चले गए. ठीक है, और एक टाइम ऐसा आया कि जो टीलर्स थे उस सोयल के वो उस जमीन से बेदखल हो गए. सो टीलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स. अब जो टीलर्स थे उनको एक स्टेटस मिल गया लैंडलेस लेबरर्स का, उनके पास कोई जमीन नहीं होती थी, उनको लैंडलेस लेबरर्स थे. सो एज लैंडलेस लेबरर्स द टीलर्स नियरली गॉट सब्सिस्टेंस वेज. ओके, सो बैकवर्ड ऑफ टीलर्स मेंट दैट दे हैड नो मींस एंड लिटल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर. एंड द जमींदार मतलब कि अगर जैसे अगर हम टीलर्स की बात करें तो उनके पास कोई ऐसे रिसोर्स नहीं थे या उनके पास इतना कम इंटरेस्ट होता था कि वो अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर उसको अंदर को इम्प्रूवमेंट ला सके. एंड द जमींदार ऑन द अदर हैंड लेटवा लैविश लाइफ स्टाइल एंड स्पेंट ऑल देयर रिवेन्यू इनकम ऑन लग्जरियस ऑफ लाइफ. वो केवल एक आरामदायक जीवन जो है अपना जी रहे थे उस रिवेन्यू के साथ. एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टोटली मतलब वो कभी भी उन्होंने उस लैंड की उस एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. सो फोर्स कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में क्या था कि कमर्शियलाइजेशन, अब यहाँ पर क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जब एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना करके मार्केट के लिए प्रोडक्शन की जाए. कमर्शियलाइजेशन मतलब व्यापार करने के लिए हम लोग फसल उगाएं, कैश के लिए हम फसल उगाएं, तो वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने फोर्स किया किसानों को, ब्रिटिशों ने, कि वो कमर्शियलाइजेशन करें, यानी कि वो अब क्या करें, ऐसी खेती करें जिससे कि मार्केट में जो है उसको सेल किया जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके. सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ कंजप्शन